हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर कुबेर का खजाना मिला है। ईडी के छापे में सैकड़ों अवैध विदेशी हथियार, 300 कारतूस और 5 करोड़ नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा 5 किलोग्राम सोने के बिस्किट और 100 से अधिक शराब की बोतलें मिली हैं। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यहां से बड़ी मात्रा में अवैध चीजें बरामद हुई हैं। बता दें कि ये छापेमारी अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। इसी मामले में हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार भी आरोपी हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिलबाग सिंह के घर से बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी हथियार मिले हैं। इसके अलावा 300 कार्टन में अवैध सामान भी जब्त किया गया है, 100 से ज्यादा शराब की बोतलें, 5 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो बुलियन यानी सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में संपत्ति के दस्तावेज भी दिलबाग सिंह के ठिकानों से मिले हैं। बता दें कि बुलियन सोने और चांदी के विशुद्ध टुकड़े को कहते हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर कम से कम 99.5% शुद्ध माना जाता है। ये सिल्लियां या बार के रूप में होती हैं। नियम के अनुसार ये केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार में रखा जाता है। इसके अलावा संस्थागत निवेशकों द्वारा उनके पोर्टफोलियो पर मुद्रा स्फीति के प्रभाव से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। लगभग 20% खनन सोना दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के पास है। इन्हें घर पर रखना पूरी तरह से अवैध माना जाता है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यमुना नगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में दोनों नेताओं से जुड़े 20 ठिकानों की तलाशी ली गई। पहले ये मामला हरियाणा पुलिस के पास था। पुलिस ने पिछले दिनों यमुनानगर और आसपास के जिलों में हुए कथित अवैध खनन की जांच को लेकर कई एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो अदालत के आदेश के बाद ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने जांच में पाया कि अवैध खनन के जरिए बड़ी मात्रा में सोने चांदी और अन्य धातु को छिपाकर तस्करी की जा रही थी। ईडी के अधिकारी अवैध खनन और ई रवाना स्कैम से जुड़े मामले में कांग्रेसी विधायक से भी जानकारी जुटा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक अपने आवास पर ही मौजूद थे। सुरेंद्र पवार के आवास से ईडी के अधिकारियों को कुछ अहम सबूत मिले हैं। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार खनन कारोबार से जुड़े रहे हैं। वे हरियाणा के साथ राजस्थान में भी खनन का बिजनेस करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।